वाड़ी अंतर्गत वर्धामना पावर हाउस के नजदीक मंगलवार रात 2 बजे के दौरान एक ट्रक का टायर फटने से ट्रक जगह पर ही पलटी होने से ट्रांसपोर्टर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 2 बजे नागपुर से जाने वाले ट्रक क्रमांक CG04JC6616 यह अमरावती की ओर जा रहा था। ट्रक में तार के बंडल भरे हुए हैं। ट्रक वाड़ी से होते हुए वर्धामना से अमरावती की ओर जा रही थी, तभी वर्धामना अमरावती रोड स्थित पावर हाउस के विदर्भ ट्रेडलिंग के सामने स्पीड ब्रेकर पर ट्रक का टायर फूट गया, जिससे चालक ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाया और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक मामूली घायल बताया गया। ट्रक में वाड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही रात में और सुबह 10 बजे घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक में रियल इस्पात से तार बंडल लाए गए थे। यह माल रायपुर से भरा गया और माल अहमदाबाद ले जा रहे थे। चालक मोहम्मद जफरुल लोकापुर बाजार जेटवारा थाना जिला प्रतापगढ़ निवासी को मामूली चोट लगी और बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि यह ट्रक छत्तीसगढ़ के सुभाष कोठारी नामक व्यापारी का है। पुलिस ने घटना का पंचनामा किया। आगे की जांच वाड़ी पुलिस कर रही है। ये गाड़ी न्यूट्रल हो घाट पे थी, टायर फूट गया आगे वाला। उसके बाद गाड़ी ब्रेकर ब्रेक रुक गया, अर्जेंट ब्रेक ले ली। उसके बाद उसकी गाड़ी में मारने के बाद तब गाड़ी पलटी हो गई। 3 बजे पैर में लगा, पीठ में भी लगा। पुलिस वही आ गई थी 10-15 मिनट में, तुरंत फोन लगा दिए। वही गाड़ी वाले एक थे हमारे, लेके हॉस्पिटल गए। इधर कॉइल भरा था, कॉइल है कॉइल गुजरात रायपुर छत। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।